दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एशियाई चैंपियन लंका का इंग्लैंड ने बजाया डंका, तो वहीं हार के बाद लंका का टूटा घमंड। एशिया कप की चैंपियन श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद काफी ज्यादा निराश है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी सिलसिले में श्रीलंका के दिग्गजों ने भारतीय टीम के लिए एक ऐसा बयान भी दिया है जिसको सुनकर हर एक भारतीय का सीना 4 इंच तक चौड़ा हो जाएगा। आखिरकार श्रीलंका के दिग्गजों ने भारतीय टीम के पक्ष में कौन सा दिल जीतने वाला बयान जारी किया है, ये तो हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में घमासान मुकाबला हुआ। सिडनी के स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला, जहां श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीता लेकिन मैच नहीं जीत पाए। दरअसल श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में मात्र 141 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जहां पर निशंका ने सर्वाधिक 67 रन की पारी खेली। हालांकि मार्क वुड ने भी सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत गई। यहाँ एलेक्स हेल्स ने जहां 47 रन की पारी खेली और इस मुकाबले में जीत के बाद इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, तो दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम के दिग्गजों ने हार के बाद भारतीय टीम के पक्ष में बयान दिया, जिसमें कुमार संगकारा ने बयान देते हुए कहा कि आज हमें पता चल गया कि जीत के बाद किसी को भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हम एशिया कप जीते लेकिन हमारा घमंड वर्ल्ड कप में टूट गया, क्योंकि हमने बड़ी टीमों को सम्मान नहीं दिया, जिसके कारण आज हमारी ये हालत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि हमें भारतीय टीम का सम्मान करना चाहिए था, अब हमें इस बात का दुख है और अब हमारी पूरी की पूरी टीम उम्मीद करती है कि भारतीय टीम बहुत जल्द हमारा बदला पूरा करे और हमारे कलेजे को ठंडक दे। इसके अलावा सनत जयसूर्या ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम वैसे तो दुनिया की नंबर वन टीम है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने एशिया कप में खेला था उस तरीके से हम नहीं खेल पाए, परंतु अब हमें पूरी उम्मीद है कि वो शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप को जीत पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि एशिया कप में जीत के बाद हम पागल हो गए थे और हम ज्यादा घमंड में आ गए थे, हमारा घमंड आज बड़ी टीमों ने तोड़ दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़ी टीमों को उसकी असली औकात दिखा दे और भारतीय टीम इस काम को अवश्य पूरा कर सकती है। तो वहीं मलिंगा ने बयान देते हुए कहा कि इस बार के T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम का प्रदर्शन बेहद अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। हालांकि हम मजबूत थे, परंतु हमारी टीम आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो चुकी थी, ऐसे में हमारा घमंड चकनाचूर हो गया था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि अब हमारी पूरी की पूरी उम्मीद भारतीय टीम से है और हमें उम्मीद है कि हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड को तो हराएगी, साथ ही साथ इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचेगी और इस बार के वर्ल्ड कप को एशिया में लाकर रखेगी, जहां पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड ले गई थी, लेकिन अब इंग्लैंड को हराकर उसकी असली औकात भारतीय टीम दिखाएगी और हमारी हार का बदला भी लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम श्रीलंका का बदला ले पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।